हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको मनोज कुमार की जीवनी बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मनोज कुमार का वास्तविक नाम हरि किशन गिरी गोस्वामी है। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को हुआ। उनकी आयु 86 वर्ष है। उनका जन्म ब्रिटिश इंडिया अबोटाबाद में अविभाजित पाकिस्तान में हुआ। उनके पिता का नाम एच एल गोस्वामी और उनकी माता का नाम कृष्णा कुमारी गोस्वामी है। उनकी पत्नी का नाम शशि गोस्वामी है। उनके भाई का नाम राजीव गोस्वामी है। उन्हें दो बच्चे हैं, विशाल गोस्वामी और कुणाल गोस्वामी। उन्हें मनोज कुमार कह लीजिए या फिर भरत कुमार। उन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिल में देश के प्रति प्रेम का जज्बा बढ़ाया है। मनोज कुमार अभिनेता के साथ साथ शानदार स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर भी है। उन्होंने अपनी कई फिल्मों को डायरेक्ट किया है जिसमें अभिनेता खुद भी थे, जिनमें से एक फिल्म थी उपकार। इस फिल्म में इन्होंने अभिनय भी किया और डायरेक्ट भी किया। इस फिल्म के लिए इन्हें अवार्ड भी दिया गया बेस्ट अभिनय और बेस्ट डायरेक्टर के लिए। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को ब्रिटिश शासन इंडिया में अबोटाबाद में हुआ था। इनका नाम हरि किशन गिरी गोस्वामी रखा गया। इनका अधिकांश जीवन बचपन का लाहौर में बीता। इससे पहले ये अपने पुश्तैनी गांव में भी रहे, जिसका नाम जंडियाला शेर खान, जो पाकिस्तान के शेखपुरा में पड़ता है और आज भी वजूद में है। और आज ये सब इलाके पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं। बंटवारे का दर्द लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए मनोज कुमार कैसे फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचे, उनके फिल्म सफ़र कैसा हुआ, इन सब के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी है। मनोज कुमार जी मात्र 10 साल के थे जब भारत का विभाजन हुआ। मनोज कुमार के माता पिता पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गए। किसी तरह मनोज के माता पिता पूरे परिवार के साथ दिल्ली के रिफ्यूजी कैंप में आ गए और काफ़ी वक्त इनका यही गुजारा हुआ। रिफ्यूजी कैंप में रहने के दौरान इनकी माँ और एक छोटा भाई बीमार रहने लगे। माँ और भाई का इलाज के लिए 30,000 हॉस्पिटल में ले गए। माता और भाई को उसी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उस वक्त दिल्ली दंगों की आग से झुलस रही थी। जब भी दंगे भड़कते और इमरजेंसी सायरन बजती थी तो सभी डॉक्टर और नर्स हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाकर छिप जाते थे। एक बार जब ऐसे ही सभी डॉक्टर और नर्स बेसमेंट में जाकर छिपे थे तो मनोज कुमार के भाई की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। मनोज कुमार ने डॉक्टरों से बहुत विनती की कि उसके भाई की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, लेकिन डॉक्टर दंगों के डर से बेसमेंट में छुपे रहे। उनके भाई का इलाज नहीं हो पाया। मात्र 2 साल के इनके भाई ने दम तोड़ दिया। भाई की इस तरह से हुई मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाए। मनोज कुमार ने एक लाठी उठाई और हॉस्पिटल के बेसमेंट में किसी तरह घुस गए। उसके बाद बेसमेंट में छुपे डॉक्टर और नर्स को लाठी से पीटने लगे। जब ये बात पिताजी को पता चली, उनके पिताजी ने मनोज कुमार को खूब डांटा, कसम खिलाई और भविष्य में कभी भी किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। इस घटना के बाद से, पिताजी के समझाने के बाद से, मनोज कुमार ने उसके बाद से कभी भी किसी को भी थप्पड़ तक नहीं मारा। राज कपूर का फिल्म इंडस्ट्री में आने की कहानी भी फिल्मी से कम नहीं और दिलचस्प है। एक दफ़ा इनके रिफ्यूजी कैंप में दिलीप कुमार साहब की फिल्म दिखाई जा रही थी। फिल्म का नाम जुगनू था। दिलीप कुमार की पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हुए। उस समय इनकी उम्र करीब 12 साल रही होगी। मनोज कुमार को दिलीप कुमार की पर्सनालिटी, एक्टिंग और स्टाइल ने दीवाना बना दिया था। कुछ दिन बाद मनोज कुमार दिलीप कुमार जी की एक और फिल्म देखते हैं। फिल्म का नाम था शहीद, जहां जुगनू फिल्म में दिलीप कुमार साहब ने आखिर में मृत्यु हो गई थी।
शहीद फिल्म में भी आखिर में दिलीप कुमार साहब की मौत हो जाती है। उस वक्त मनोज कुमार छोटे थे तो उनको ये समझ नहीं रहा था कि कोई इंसान कैसे दो बार मर सकता है। मनोज कुमार यही सब सोच रहे थे जब उनकी माँ ने मनोज कुमार को शांत बैठा देखा। इनकी माँ ने उन्हें गुमसुम रहने की वजह पूछी तो मनोज कुमार ने अपनी माँ से पूछा कि एक आदमी कितनी बार मरता है। एक बार तो मनोज कुमार ने कहा, अगर दो से तीन बार मरे तो माँ ने कहा, फिर तो वो इंसान नहीं, वो फरिश्ता होता है। मासूम मनोज कुमार ने तभी फैसला किया कि वो आगे चलकर फरिश्ता बनेगा। दिल्ली रेफ्यूजी कैंप में रहने के दौरान मनोज कुमार क्रिकेटर हॉकी के बेस्ट प्लेयर में गिनी जाने लगी। बहुत ही अच्छा खेलते थे। उस दरमियान मनोज कुमार जी को शशि नाम की लड़की से बेहद प्यार हो गया था और ये प्यार दोनों तरफ से था। लड़की भी मनोज कुमार जी से बहुत प्यार करती थी। दोनों अक्सर साथ में फिल्म देखने जाया करते थे। मनोज कुमार इतने किस्मत वाले हैं कि उनकी शादी उनकी प्रेमिका शशि से ही हुई। मनोज कुमार जी दिल्ली में थे जब उनकी मुलाकात कजन लेखराज भाकरी से हुई, जो एक उस समय के जाने माने डायरेक्टर थे। वो अपनी फिल्म के प्रीमियर के सिलसिले में वह मुंबई से दिल्ली आए थे। मनोज कुमार को देखते ही लेखराज भाकरी ने कहा कि तुम तो हीरो जैसे लगते हो। तो मनोज कुमार ने कहा कि अगर मैं हीरो जैसा लगता हूँ तो आप मुझे हीरो बना ही लीजिए। तो लेखराज भाकरी ने कहा कि टाइम निकाल कर तुम मुंबई आओ, तुम्हारे बारे में सोचेंगे। मनोज कुमार लेखराज भाकरी ने कहने पर दिल्ली से मुंबई जाने का फैसला किया। अपने माता पिता को लेकर 9 अक्टूबर 1956 को दिल्ली से मुंबई के लिए मनोज कुमार जी रवाना हो गए। मनोज कुमार मुंबई पहुंच जाते हैं। उसके बाद इनके जीवन का संघर्ष शुरू होता है। मनोज कुमार को लेखराज भाकरी ने कहा, फिल्मों में काम करने के लिए पहले अपने आप को ज़्यादा घिसना होगा। मनोज कुमार मुंबई में किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे और बीच बीच में मनोज कुमार लिखते भी रहते थे। उन्होंने कई फिल्में भी लिखी। इनके लिखी स्क्रिप्ट पर कई फिल्में भी बनी, लेकिन इन्हें उन फिल्मों के लिए कभी भी क्रेडिट नहीं दिया गया। इन्होंने उस स्क्रिप्ट को बेच दिया। इन्हीं सब पैसों से मनोज कुमार को मुंबई में गुजारा हो रहा था। फिर उनके दोस्त लेखराज भाकरी ने 1957 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम फैशन था। उस फिल्म में मनोज कुमार को पहली दफा अभिनय करने का मौका दिया। उस फिल्म में 20 साल के मनोज कुमार को एक रोल मिला। वह 80 से 90 बूढ़े भिखारी का था। उस फिल्म में मनोज कुमार नर्वस हो रहे थे, फिर भी किसी तरह वह रोल निभाया। उसके बाद मनोज कुमार ने चांद और सहारा जैसी फिल्में भी दी। आखिरकार 1961 में आई फिल्म कांच की चूड़िया में पहली बार बतौर हीरो के किरदार में नजर आए। इनकी पहली हीरोइन थी शाहिदा खान। हालांकि ये फिल्म चली नहीं। उसके बाद इनकी फिल्म आई पिया मिलन की आस, सुहाग सिंदूर, रेशमी रुमाल। फिल्मों में इन्होंने हीरो का रोल किया था, लेकिन ये फिल्में फ्लॉप हो गई। लेकिन 1962 में आई उनकी फिल्म हरियाला और रास्ता हिट रही। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें एक लोकप्रिय नारा जय जवान जय किसान के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कहा, जिसके चलते उन्होंने वर्ष 1967 में उपहार फिल्म को निर्देशित किया, जिसमें उन्होंने एक सैनिक और एक किसान की भूमिका निभाई थी। उन्हीं फिल्म उपहार के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1981 में उन्होंने फिल्म क्रांति का निर्देशन किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, परंतु
इसके बाद उन्हें फिल्म करियर का ग्राफ तेजी से गिरने लगा क्योंकि उनकी फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। उन्हें कई देशभक्ति भूमिकाएं निभाने के लिए भारत कुमार के नाम से भी पुकारा जाता है। वर्ष 1989 में पाकिस्तान अभिनेताओं को कास्ट करने वाले वह पहले भारतीय निर्देशक थे। वर्ष 1992 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1995 में उन्होंने अभिनय करना छोड़ दिया। उन्होंने वर्ष 1995 में फिल्म मैदानी जंग में आखिरी बार अभिनय किया था। वर्ष 2004 से पहले यह घोषणा की गई कि मनोज कुमार शिवसेना में शामिल हुए थे। वर्ष 2016 में फिल्म जगत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भारत सरकार द्वारा मनोज कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर फिल्म इन हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।